रूट जाता है ये हिसुआ और गया की ओर जाता है, और ये वाला रूट जो है आपका पटना और आपका ये क्या नाम है नालंदा मखदूम कुंड वगैरह इधर से इधर की ओर जाता है। और यहाँ पे ये भैया लोग सुबह से कितने बजे खोले हुए आप दुकान? 6 बजे से ये लोग खोले हुए दुकान। यहाँ पे देखिए खाने पीने का व्यवस्था है, पानी उनी का भी व्यवस्था दिया गया है वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए पार्किंग का जो एरिया है ना, ये यहाँ से सब उठ के सब चलाएगा आगे 4 नंबर, और इधर से सब लोग सुबह में आके, चलिए हम आगे बताते हैं। देखिए ये लोग सुबह से लगे हुए हैं, सब पूछेंगे कितने बजे से लगे हुए हैं। और यहाँ देख रहे हैं नारियल वाले खाने पीने का है इंतजाम, और यहाँ पे देख रहे हैं लोग सुबह से लगे हुए हैं। और यहाँ पे फीमेल का यहाँ पे लाइन लगा हुआ है, मेल का यहाँ पे। अगर आप लोग को टिकट लेना है ऑफलाइन तो सुबह जल्द से जल्द आएँ, 5 बजे या 6 बजे आके अपना लाइन में लग जाए। क्या जितना सवेरे आइएगा उतना जल्दी आपको टिकट मिल जाएगा आसानी से। और ख़ासकर सैटरडे संडे को अगर टिकट लेना है तो और जल्दी आइएगा तो टिकट मिलेगा, क्योंकि सैटरडे संडे को काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू हम सफर चैनल। फिर से गाइस न्यू ब्लॉग के साथ हम आपके सामने आ गए। तो गाइस अभी हम यहाँ पे जो खड़े हुए हैं, देखिए राजीव वाइल्ड लाइफ सफारी, जो गाइस आज चलेंगे अंदर, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला। और कुछ लोग हैं जो यहाँ पे भी सेल्फी विल्फी ले रहे हैं, तो देख रहे हैं। तो गाइस चलते हैं। और क्या है सबसे अच्छी खासियत यहाँ पे, देखिए ये जो घास वास पौधे वौधे लगे हुए हैं चारों तरफ में, गाइस पहाड़ी पहाड़ है। अंदर चलते हैं, अंदर और मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। नाम क्या हुआ? गोलू कुमार। गोलू भाई अब ये बताइए, सुबह से यहाँ कितने बजे से आप लाइन में खड़े हुए थे? 2 बजे से खड़े हैं। 2 बजे से लाइन में खड़े हुए? ऑनलाइन टिकट कट नहीं रहा था जो? नहीं, उस टाइम हम लोग नहीं थे। अच्छा, उस टाइम ऑनलाइन में नहीं थे। और उसका ये बताइए कि ये तो 8 बजे काउंटर खुलेगा, पैर में तो दर्द कर रहा होगा? बहुत दर्द कर रहा है। पहला नंबर पर दीवा खड़ी हुई है, तो कब से खड़ी हुई है? 5 बजे से खड़े। तो आप देख रहे हैं सुबह से सब लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं लेडीज लोग जितनी भी, सब धूप से बचने के लिए छाव बना के नीचे बैठी हुई हैं। और यहाँ पे सब लोग हैं, और यहाँ पे देखिए उम्र दराज के लोग भी, दादी की उम्र के लोग भी, सब भी खड़े नहीं हो पाती है, इस वजह से यहाँ बैठी हुई धूप लग रहा होगा। और यहाँ पे बाकी सब लोग टिकट का इंतज़ार सब करे। और ये सामने भी देखिए वहाँ पे ठंडा पानी मिलता है आपको, और इसके राइट साइड में वहाँ पे फीमेल का टॉयलेट है, और लेफ्ट साइड में आपका मेल का टॉयलेट है। और बाकी यहाँ पे साफ सुथरा बहुत अच्छा। और ये गेट जो है ये 6 बजे खुल जाता है, उससे पहले आपको वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। जितना सवेरे आएगा उसी हिसाब से नियम के अनुसार आपको अंदर आने दिया जाएगा लाइन बाय लाइन। और ये बहुत अच्छा लगा, नियम के अनुसार अपना अंदर आइए और अंदर जाइए। और बाकी यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग जैसे जैसे अच्छे से कर रहे हैं। और ये जो बॉक्स है ना, ये 8:30 बजे खुलता है, यहीं से आपको मेन टिकट मिलेगा, एंट्री टिकट, चाहे वो इसका हो नेचर का हो चाहे जू का हो, यहीं से मिलेगा। और जू का आपको टिकट वहाँ पर मिलेगा अंदर में, और नेचर का भी आपको जू से अंदर ही जाके मिलेगा आपको। और बाकी ये सब देख रहे हैं बहुत अच्छा है। और जहाँ पे आपका डस्टबिन वगैरह सब दे दिया गया है, ताकि ग्लास व्लास वगैरह जो भी हो सब इधर उधर ना फेंके, डस्टबिन डाले। और 4 नंबर साइड में वहाँ पे आपका पार्किंग एरिया है। देख रहे हैं यहाँ पे पानी पीने का सिस्टम है, प्योर भी श्योर भी, बट लेकिन यहाँ पे ग्लास नहीं है, तो इस पर नहीं दिया हुआ है। तो भैया यहाँ पे आप जो पानी पीने आए थे, तो पानी पिए कि नहीं? नहीं, पानी का तो सुविधा है, मगर पूरे में यहाँ पर कुछ गिलास या बोतल रखना चाहिए, वो चीज़ नहीं रखा, वो यहाँ पे नहीं रखा हुआ, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा असुविधा हो रहा है। हाँ, इसके लिए काफ़ी असुविधा हो रहा है। पानी प्याज तो लगी है, इसलिए कि 2 बजे बहुत से नंबर लगे हुए हैं जी, 2 बजे सुबह से, इसके बाद भी कोई यहाँ पर सुविधा नहीं है। बाहर में लोग बैठे हुए थे जी, देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे पानी पी रहे हैं हाथ पे ले लेके। और 10 साल से ऊपर का 100 रुपये का एंट्री टिकट लगता है जू सफारी में। कोई भी आदमी टिकट लेकर के बाहर नहीं जाएंगे, अन्यथा टिकट रद्द हो जाएगा। अगर आपको बाहर जाना है तो वहाँ गेट पे काउंटर है, वहाँ पे आप जमा कर देंगे। अदीबा एंट्री टिकट मिल गया? मिल गया। टिकट का ठीक है, ठीक है गाइस, मिल गया टिकट। और वहाँ पे जो है वो ऑनलाइन वाला सिस्टम है, जो लोग मोबाइल से बुकिंग करते हैं वो वहाँ वेरीफाई कराएंगे, और ऑफलाइन वाले इस तरफ चलेंगे। अभी यहाँ देख रहे हैं भीड़ हो गया, और टिकट सच में राइट टाइम में मिला 8:30 में। तो चलिए चलते हैं। देख रहे हैं पीछे में जो काउंटर है ना, ये जू सफारी का काउंटर है। अगर आपको आना है कि हाँ भाई मैं ऑनलाइन टिकट कटा लेता हूँ, तो ऑनलाइन टिकट कटा के वही बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया इसलिए रहेगा कि अपना 10 बजे से 11 चल कटवा लिए कि 12 से 1 बजे वाला, उसमें क्या रहता है कि आपका टिकट रहेगा, एंट्री टिकट ऑनलाइन है, और यहाँ आके जो टिकट लेंगे ना तो वो भी आपका टिकट उसी हिसाब से यहाँ पर रखा रहेगा। अब यहाँ से टिकट लेके चले गए, ऐसा नहीं है घबराने कि भैया मैंने ऑनलाइन एंट्री ले लिया यहाँ आके मुझे वो टिकट नहीं मिलेगा, नहीं मिल जाएगा, क्योंकि आपके नाम का जो एंट्री टिकट रहता है ना, उतना ही जितना टिकट एंट्री रहेगा उतना टिकट यहाँ पर बटा रहता है। तो उसी हिसाब से आप अपना ग्लास ब्रिज का ले सकते हैं या जू सफारी का, वैसा कोई ये नहीं है इशू वाला, बाकी सब बढ़िया। ऑनलाइन आप कर लीजिएगा, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए स्क्रीन पे है ना,
किसी भी जगह सर्च कीजिएगा, ऑनलाइन कर सकते हैं, एक दिन पहले भी या तीन दिन पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन सिर्फ एंट्री होगा, ठीक है, एंट्री टिकट होता है वो अवेलेबल हो जाएगा आपको। यहाँ टिकट कटने दिखाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से ग्रीन एंट्री को लेते हैं, फिर वहाँ से हम लोग राइट साइड जाएंगे नेचर सफारी। देख रहे हैं हम लोग वहाँ से आए थे एंट्री करने के बाद, और यहाँ पे तो बिहार फॉरेस्ट गार्ड लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ पे सब लोग अपना सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं। गाइस ये जो 100 रुपये का जो हम लिए हैं नेचर सफारी का, 100 रुपये जो आपका बस का जो होता ना यहाँ से 15 मिनट का दर्शन का जो रास्ता है वो 100 रुपये उसका लेते हैं। फिर वहाँ पहुँचने के बाद फिर वहाँ ग्लास ब्रिज का आपको टिकट कटाना पड़ेगा, जो कि 125 रुपये एक आदमी का रहता है पर हेड, और 500 नीचे मतलब 5 साल से नीचे वाले का नहीं लगता टिकट। तो चलिए हमारी बस आ गई, बस में बैठ गए, आप चल रहे हैं ग्लास ब्रिज की ओर। तो रेडी शेडी गो। ये आपका सर्वर रूम है, आपका लॉकर रूम है, कोई सामान लाते हैं तो यहाँ आप रख सकते हैं, और यहाँ पे आपका टिकट काउंटर है। बाय द वे सब लोग आ गए हैं और कुछ लोग जा रहे हैं अपना अभी, और वहाँ पर रिसेप्शन रूम है रुकने ठहरने वरने का, और यहाँ पर सेल्फी वैसे ले रहे हैं। चलिए वहाँ पर सेल्फी लेते हैं, वो बहुत अच्छा आता है। यहाँ से ये आपका मैप है और यहाँ से आपको चढ़ने स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए सब कुछ कितने कितने कहाँ पे है कुछ दिया हुआ है, ये रास्ता सीधे जाता है, और यहाँ दीवार सेल्फी लेगी। रुक जाओ एक मिनट, धीरे 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 धीरे, और कौन कितना दूर है सब उस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। और बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं रहने वाला रूम सब भी है, उधर साइड आपका टॉयलेट है ये, और वहाँ पर ठंडा पानी पीने का। तो हम लोग इसी रास्ते से अंदर आए अभी और चलेंगे अभी धीरे धीरे अंदर, चलिए चलते हैं। और ये है स्काई ग्लास ब्रिज बिहार का राजगीर, जो फोटो में ऐसा दिख रहा है, जाने का रास्ता इधर है। चलिए अभी चलेंगे, मज़ा जो आएगा ना बहुत मज़ा आने वाला है, इधर चलेंगे ऊपर। एक्साइटेड है, कैसा लग रहा है दीवार देखने के लिए? बहुत ज़्यादा बोल रही, बहुत एक्साइटेड है, और सब लोग आ रहे हैं। वैसे हमसे पहले लोग पहुँचे हुए हैं, 2 बस पहले आ गया था, तो चलिए मज़ा आने वाला है बहुत। और यहाँ पे देख रहे सेल्फी लेने का अपना सब लोग है, और यहाँ पे देखिए आपको रूल दिया गया है, देख रहे हैं 10 वर्ष से कम उम्र बच्चे को गोद में बच्चे को लेकर जाने की अनुमति नहीं है। बाकी यहाँ पे सब लोग चप्पलों पर उतार लिए हैं जूता वगैरह, और यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं। चलिए कैरी बैग वगैरह लाते हैं तो यहाँ पे लाके जमा कर सकते हैं, वो आपको कॉइन देंगे। ये इस पर ग्लास ब्रिज पे चढ़ने का ये गाइडलाइंस है कि दौड़ना लेटना कूदना सख्त मना है, तो प्लीज़ आप लोग दौड़ना लेटना मत करना। और ये कांच देखिए कितना मोटा कितना, अभी ये 3 सेट का है, और ये इतना इतना मोटा मोटा ये 3 लग के एकदम हेवी एकदम बहुत अच्छा है। और ये यहाँ पे चढ़ने के लिए सपोर्ट के लिए दिया गया है, वैसे ये यहाँ पॉइंट है, ये तार देख रहे हैं जैसे पास का, ये हेवी तार है बहुत हेवी जो दोनों साइड दिया गया है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं, वाह ब्यूटीफुल। ये देखिए यहाँ से लेकर उस कोने तक वहाँ तक है जो चलना है, बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे ये गार्ड सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट तक रहना है फिर वापस आ जाना है। और ये इसका जो हाइट है ना कम से कम नीचे से लेके ऊपर तक ये कम से कम 200 फीट होगा, और बहुत जैसे आगे पर और डरावना लग रहा है। धीरे धीरे ना सबको थोड़ा डर डर सा महसूस होने लगा है। भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है भाई, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। भाई क्या लग रहा है, पैसा लग रहा है वसूल हो गया? फुल पैसा तो वसूल हो गया फुल। अभी क्या सस्पेंशन जरूर जाना भाई, जाएंगे जाएंगे ठीक है। यहाँ लोग सब लोग कह रहे हैं कि पैसा वसूल हो गया, बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे सब लोग अपना सेल्फी वेल्फी सब लोग ले रहे हैं, और हमारे फॉरेस्ट गार्ड भी है जो सबको समझा रहे हैं कैसे रहना है ऐसे रहना है, मज़ा आएगा। अधिभा कैसा लग रहा है? अधिभा कह रही डर लग रहा है, अधिभा इस कोने पे जाओगे तो और मज़ा आएगा, और लग रहा है एडवेंचर टाइप का चीज़ है। तो गाइस यहाँ का जो ऊंचाई है ना काफ़ी बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, और मतलब यहाँ पे जा रहा है ना अच्छा एकदम यूनिक लगता है, क्या रहता तो हरा भरा है, ऊपर से यहाँ पे का जो नेचुरल हवा है ना बहुत अच्छा है, प्लस इतना खूबी है चारों तरफ आपको ना पहाड़ देखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे सब लोग सब जगह से आते हैं, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है?
बहुत मस्त लग रहा है। क्या पैसा ज्यादा लग रहा है या कम है? बेसी लगे या कम लगे, घूमना तो है ना। अच्छा, पैसा बेसी लगे या कम लेकिन घूमना तो है ना। यहाँ पे बहुत लोग आए हैं, हर जगह से लोग आते हैं। और वैसे तो यहाँ पे आप तो जानते हैं राजगीर, यहाँ पे इबादत करने का शहर है, बहुत अच्छा लग रहा है। अधिवा को डर लग रहा है, कह रही मुझे गिराना है क्या? ये देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डर लग रहा है, और मजा आएगा। आप कह रही नहीं डर लग रहा है, और यहाँ और बाकी यहाँ के लोगों से बोलते हैं आपको यहाँ कैसा लग रहा है यहाँ पर आके आंटी? ठीक है सही, भाभी कैसा लग रहा है? डर डर का पूरा चेहरा चल तो नजर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा बहुत प्यारा व्यू है। और यहाँ पे धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं, ट्रेन से बसते हैं। तो चाचा कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है। तो यहाँ पे आप कोने में वहाँ साइड में गए थे? हाँ, तो वहाँ पे कैसा महसूस हुआ? कुछ नहीं, एकदम यूजुअल। तो हिल रहा था भाई, हल्का हल्का वेव कर रहा होगा? वेव करता ही है। तो यहाँ पे लोगों को क्या कहना चाहिए, लोगों को आना चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए? जरूर आना चाहिए। चलिए शुक्रिया। कैसा लग रहा है? डर भी लग रहा है कि नहीं? पक्का लग रहा है। देखिए थैंक यू सो मच गाइज, आपने कीमती वक्त निकाल के हमारा ये प्यारा सा ब्लॉग देखा। ज़्यादा लोगों में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।